नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी पर। और दोस्तों, व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि जो छात्र हैं टंकी पर चढ़ी हुई थी, वो टंकी से उनको समझाइश के बाद में वो उतर आई है। और इसी बीच शिक्षा मंत्री का भी एक बयान आया है परीक्षा को लेकर, जो आपको देखना चाहिए कि क्या बयान है वो शिक्षा मंत्री ने दिया है। तो सबसे पहले ये देखिए जी, राजस्थान का ट्वीट है कि जयपुर दो छात्राओं का पानी की टंकी पर चढ़ने से जुड़ा मामला, आखिरकार प्रशासन की समझाइश आई काम। समझाइश के बाद दोनों छात्राएं उतरी पानी की टंकी से नीचे, मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए बुलाया गया प्रतिनिधिमंडल को। और ये देखिए, उससे एक घंटे पहले का जयपुर छात्राओं का पानी की टंकी पर चढ़ने से जुड़ा मामला, पिछले चार दिनों से मांगों को लेकर चढ़ी हुई है टंकी पर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा स्थगित करवाने की मांग। आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कल समय पर ही आयोजित होगी परीक्षा, यानी शिक्षा मंत्री अभी भी अपने बयान पर डटे हुए हैं कि 3 जनवरी को ही परीक्षा होगी। तो दोस्तों, देखते हैं वार्ता के बाद में क्या फैसला आता है। जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।